ये देखें जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा, कल जो है वो वीडियो एंड कर दी थी, बट आपको जो है वो नए बर्ड से मैं लेके आया था, वो बाहर निकाल के नहीं दिखाए। तो अभी सुबह मैं छत में आया हूँ, तो शहजादे बंद हुए हैं। कल सारा नेट का काम किया था और ये देखें, ये बांस लगाने थे जिसकी वजह से जो है ना मजबूती नहीं थी। तो ये देखें, बांस जो है वो सारे लगा लिए। बांस लगाना ज़रूरी थे क्योंकि हवा जब तेज़ चली थी तो उसने नेट को भी उड़ा के ले जाना था। तो कल टाइम काफ़ी हो गया था, वीडियो भी कंप्लीट करनी थी, तो आज जो है इन शहजादों को खोलते हैं, बब्बर शेरों को। लो भाई, आ जा बब्बर शेर ले जी। कल जो है वो आपको दिखा नहीं सके थे, बट आज जो है सारी पार्टी बाहर आ गई है माशाल्लाह। चेक करें, कल तो इन्होंने अंडा भी दे दिया था, अभी तक चेक करते हैं किसी ने कोई अंडा दिया है कि नहीं। लो जी, एक मुर्गी अंदर बैठी हुई है और अंडे की तैयारी में है, बाहर नहीं आ रही। सेम वही तरह आवाज़ें निकाल दी है कल की तरह। चेक करें, अभी इनके लिए रोटी जो है भिगो के रखी हुई थी, तो अभी इनको रोटी भी डाल देते हैं ताकि सही तरह रच जाए आज जो है ना। ये जो रोटी है रात को भिगो के रखी हुई है, इसका पानी जो है निकाल लेते हैं। रोटी खुशक कर ली हुई है, पानी निकाल दिया, इसको थोड़ा सा दाना डालते हैं। अब बब्बर शेर, दाना डालेंगे इसको, मिक्स करेंगे। दाना देखें, भी जो है इसका मिक्स कर लिया और खिचड़ी नुमा जो है ये बन चुका है, बट इनको जो है ना वो अभी नहीं देंगे, थोड़ा सा ये गीला है, अभी खुशक हो जाए, तो खुशक होने के बाद जो है वो इनको देंगे। अच्छा, तो इनको ना खिला पिला के सही रिझा दिया और अभी ये खुद ही जो है ना अंदर जाना शुरू हो गए हैं। तो अभी जो है इनको बंद करते हैं, और बंद करने की रीज़न ये है कि ना अभी हमने ये नेट तो सारा देखें लगा दिया, बट यहाँ से जो है ना अभी नेट कम्प्लीट नहीं था हुआ, तो ये इसके ऊपर चढ़ के आसानी से जो है ना वो पीछे ना निकल जाए, तो उसके लिए मुझे नेट लेके आना पड़ेगा। तो मैं अभी इनको खुला छोड़ के नहीं जा सकता, नेट लेके आता हूँ, नेट लगाएंगे तो फिर इनको यहाँ पे खुला छोड़ देंगे, फिर कोई डर नहीं होगा। बट अभी आप जो देखें ना कि यहाँ से अगर ये चले गए बाहर और जगह भी यहाँ पर बनी हुई है चढ़ने की, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो नेट ले आते हैं, नेट लगाते हैं, उसके बाद इनको यहाँ पर खुला छोड़ेंगे। अच्छा, तो नेट जो है एक और ले आए हैं, ये देखें नेट एक और ले लिया। आप पूछ रहे होंगे कि इसकी कीमत क्या है, तो 350 रुपये का जो है ना ये एक नेट आता है। हमने यहाँ पे तकरीबन दो पहले लगा दिया, एक के लिए मैं एक और ले आया हूँ, तो तकरीबन 1050 रुपये का शायद खर्चा आया ये सारे नेट लगाने का। तो नेट जो है वो मैं ले आया था और नेट मैंने लगा भी दिया, ये देखें माशाल्लाह से सारा जो है ना यहाँ से कवर हो गया है, ये देखें ऊपर तक। ज़्यादा खतरा जो है ना वो इस वाली साइड के ऊपर ही है, ज़्यादा खतरा इस वाली साइड पे भी है, क्योंकि ये खुट्टों के ऊपर चढ़ के जो है ना वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, तो इस वजह से ऊपर तक इसको कर दिया। और यहाँ पे अभी तक हमने जो है सिंगल ही लगाया, देख लेंगे अगर हमें यहाँ पे भी डबल लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे भी डबल लगा देंगे। मैं इनको बंद करके गया था और मुर्गी भी मेरी जो है ना, ओ बस मुर्गी भी भैया अंडे देने वाली है। चलो भाई, एक मुर्गी बैठी भी हुई थी, इनको खोल देते हैं अब। आ जो भी जगह उसने अपनी बना ली थी अंदर ही, ओए लग जाएगी, ओए आ जा ले जी। इनको वापस से खोल दिया, खतरा जो है उसको हमने निपटा दिया ताकि ये क्रॉस ना कर सके। तो अब जो है मैं इनको खुला छोड़ के जाऊंगा, भाई आएगा शाम को तो वो देख लेगा इनको,
टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा खतरा यही था कि उधर ना चली जाएँ, बट उम्मीद तो यही है कि अब जाएंगी नहीं है। तो इनको अब दोबारा से खोल दिया शहजादियों को और शहजादे को। हाँ, आपने बताना ज़रूर है कि मुर्गियाँ कैसी हैं और मुर्गा कैसा है। और अभी तक से कोई अंडा तो अभी तक से कोई आया नहीं है, बट उम्मीद है कि आज अंडा नहीं अंडे आएंगे अंडे। अच्छा जी, रोटी और दाने की जो खिचड़ी हमने बनाई थी ना वो डाल दी है, देखें कितने शौक से खा रही हैं। और मुर्गा भी बहुत शौक से खा रहा है, ये देखें। तो इस तरह की जो खिचड़ी है वो बना के रोटी में भिगो के डालते हैं, तो ये काफ़ी शौक से खाते हैं। मुर्गा जो है वो बुला रहा है। मुर्गे की ये क्वालिटी होती है कि वो मुर्गियों को बुलाता है और उनको खिलाने के बाद जो है वो फिर खाता है, तो ये बड़ी एक क्वालिटी है यार इसकी। अच्छा, तो अभी नीचे आए हैं अपना मुर्गा मुर्गी के पास, जिनका मेडिकेशन चल रही थी। तो बट एक बैड न्यूज़ है कि मुर्गी शायद हमारी नहीं बची है। मैंने भी इसको चेक नहीं किया, बट मुझे खबर मिली है कि शायद मुर्गी नहीं बची है। मुर्गा काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए हम जो है वो दाना भी ले आए हैं और मुर्गी को देख लेते हैं। मुर्गी जो है वो एक्सपायर हो चुकी हुई है। एक और नुकसान, मुर्गी एक्सपायर हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और बड़ी कोशिश की हमने इसको बचाने की, बट इंजेक्शन भी लगाए, मेडिसिन भी दी, बट अभी इसको नहीं बचा सके हम यार, अल्लाह की मर्ज़ी है। एक हफ़्ता पूरा हमने इसको बचाने की कोशिश की है, डेली इंजेक्शन लगता रहा सुबह शाम, बट वो नहीं बच सकी। मुर्गे को दाना डालते हैं। तू तो खा यार, जाने वाली तेरी चली गई है, तू खा। मुर्गी है, इसको हमने थोड़े में पैक कर लिया और यहाँ से सारी सफाई कर दी, धो दिया। मुर्गा हमारा बेहतर हो गया, पहले ये जो अपनी बिट है वो ग्रीन कर रहा था, बट उसका कलर अब चेंज हो गया, तो उसका मतलब ये है कि ठीक हो चुका है। तो मुर्गे को अब लेके जाएंगे ऊपर, और उसके लिए फिर एक नई मुर्गी लेके आएंगे, जिसने जाना था वो तो चली गई है, बट अब दूसरी मुर्गी लेके आएंगे। अच्छा, तो मैं अभी भी जो है वो बाहर से आया हूँ, थोड़ा सा सामान लेने गया हुआ था, और माशाल्लाह इनको मैं खुला छोड़ गया था, देखें माशाल्लाह से खुले ही फिर रहे हैं। चेक कर लेते हैं अंडा उंडा कोई आया कि नहीं आया। आ जाओ अंडा। ओहो माशाल्लाह, ले जी माशाल्लाह। आज का जो है वो एक और अंडा आ गया, पहला अंडा आज का जो आ गया। और अभी मुझे उम्मीद है कि अभी दो से तीन अंडे जो है ना वो और आ जाएंगे। माशाल्लाह क्या बात है यार, इसकी बड़ी खुशी होती है। अभी भी मैं छत पे आया हूँ दोबारा से, और एक मुर्गी जो है वो अंदर बैठी हुई है, इसने अभी अभी जो है वो अंडा दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, एक अंडा और आ गया। हाय हाय हाय, अभी भी बिल्कुल फ्रेश अंडा, ये देखें। आज का दूसरा अंडा भी आ गया, बहुत खुशी हो रही है यार। ये मुर्गे को पता नहीं क्या हो गया, वो वाइट वाली मुर्गी को जो है ना वो मारी जा रहा है। अब इसकी स्टोरी नहीं मुझे समझ में आ रही। चार मुर्गियाँ हैं, चारों में से किसी को नहीं मार रहा, जस्ट वो अंदर जो वाइट वाली है ना उसको ये मार रहा है, वाइट वाली को मार रहा है। अब इसके पीछे का स्टोरी ये नहीं पता, अगर ये बहुत ज़्यादा उसको मारेगा, कल तो सारा दिन इसने नहीं मारा उसको, बट आज जो है ये उसको मारी जा रहा है। तो अगर ज़्यादा मारेगा तो फिर मुर्गी चेंज करनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वरना तो इसका बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो अभी इनके लिए थोड़ा सा ना पालक काट के लाए हूँ, पालक डालते हैं इनको, ये बड़े शौक से खाते हैं पालक। उनको देखो भाई, तुम्हें भी मिलेगा, सब्र करो, सब्र, पहले इनको खाने दो। ये देखे जी कितने शौक से खाती है माशाल्लाह से। हाय 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 हाय, खाओ 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 खाओ। अच्छा, इसमें से जो एक मुर्गी है ना वाइट वाली, वो इनके साथ नहीं थी, मतलब इनके गैंग की नहीं थी, तो कोई फड्डा हुआ है इनका ना रातों रात ही ना मुर्गियों का भी,
और अभी जो है ना मुर्गियों की भी आपस में मुर्गियां बर्दाश्त नहीं कर रही उसको, और अब मुर्गी ने भी उसको जो है ना वो मारना शुरू कर दिया। ये देखें वो जो पीछे वाइट मुर्गी देख रहे हैं ना आप, वो इनके गैंग की नहीं है। तो मुर्गा जो है ना इसकी सही तोड़ी जो है ना वो लगा रहा है। अभी आप देखिएगा मुर्गा तरह इसको कैसे मारता है, वो जैसे ही पास जाती है तो मुर्गा उसको मारना शुरू कर देता। अभी देखिएगा आप, अभी वो उसे छुप के खा रही है। मुर्गे की जैसी इस पर नज़र पड़ेगी तो मुर्गा इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये बड़ा मसला है। ये देखा ना आपने, ये मुर्गा जो है ना फिर इस तरीके से उसको तंग कर रहा है। ये चेंज करवानी पड़ेगी, तो इसको या तो फिर चेंज करवाएंगे वरना इस तरह को है ना काम ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चेंज करवाना बेहतर है।